Now, we will see, after the basic definition of scattering, what are the factors on which scattering depends? वो कौन सी बात है, वो कौन सी फैक्टर है जिस पे स्कैटरिंग डिपेंड करता है? मतलब स्कैटरिंग क्या हमेशा एक समान होगा, हर कलर के लिए एक समान होगा? नहीं. अकॉर्डिंग टू रेले लॉ, अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ, amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength of light. That means scattering is inversely proportional to 1 by lambda to the power 4. Lambda represents, you know, wavelength. तो wavelength के लिए हम लोग lambda symbol use करते हैं, आपको मालूम हुआ. तो स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर फोर, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ. मतलब इसका मतलब क्या निकलता है? रेले ने कहा कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. यहां पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है स्कैटरिंग, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग का वेवलेंथ के साथ. वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो स्कैटरिंग घटेगा, और वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा. आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारे व्हाइट लाइट में जो सन से जो लाइट आती है, व्हाइट लाइट, उसे हम लोग व्हाइट लाइट ऑफ सन, इसमें हमारे 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. यू ऑल नो वेरी वेल. और इसकी खास बात यह है कि वेवलेंथ सभी की अलग होती है. आप जितने भी कलर देख रहे हो, रेड की वेवलेंथ और वायलेट की वेवलेंथ में काफ़ी अंतर है. हर कलर की वेवलेंथ अलग है. रेड की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम है इस ग्रुप में. अगर कंपेयर किया जाए तो हम पाएंगे कि रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, वायलेट का सबसे कम है इस ग्रुप में. तो अगर हम ये कंपेयर करें सातों कलर को, तो ये पाएंगे कि चूंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, I'm talking about the wavelength. रेड का सबसे ज़्यादा है, वायलेट का सबसे कम है. तो उस हिसाब से अगर हम रेलेज लॉ को कंसीडर करते हैं तो पाएंगे कि चूंकि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वायलेट का होना चाहिए. जो सन से जो लाइट आ रही है, जो व्हाइट लाइट आ रही है, उसमें सातों कलर मौजूद है, ऑल द 7 कलर्स आर प्रेजेंट. लेकिन उस सातों कलर में से वायलेट कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा. मतलब जब सातों कलर आ रही है तो सबसे ज्यादा वायलेट कलर उसका रीडायरेक्शन होगा. रीडायरेक्शन का मतलब है वो जा रहा था और हमारे अर्थ में के चारों तरफ जो वायुमंडल है, एटमोसफेयर है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा करके सबसे ज़्यादा वायलेट कलर वो चारों तरफ इधर उधर फैल जाएगा, स्कैटर कर जाएगा, अपने पथ पर से भटक जाएगा, दैट गेट्स रीडायरेक्टेड. सबसे ज़्यादा वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू,
उससे बाद ग्रीन, येलो और येलो ऑरेंज, सबसे कम रेड। तो सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा? लाल कलर का। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होगा? वायलेट का। सो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि जो वायलेट कलर है उसकी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। सो वी कैन राइट हियर सिंस वायलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ सो इट इज स्कैटर्ड द मोस्ट एंड सिंस रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ सो इट इज स्कैटर्ड द लिस्ट। तो सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है? रेड कलर की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है वायलेट की, और यही कारण है कि हमारा जो स्काई है वो ब्लूइश नजर आता है, और मून पे हमें स्काई ब्लैक नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इस तरह का एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो मून पे चूंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या होगा? सन से जो लाइट आएगी वो बिना स्कैटरिंग के हमारे पास पहुंच जाएगी, मतलब आकाश में कोई भी कलर रीडायरेक्ट होकर नहीं गया। तो जब आकाश में कोई कलर गया ही नहीं तो आकाश में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, नथिंग। तो नथिंग मीन्स कुछ नहीं, डार्क, अंधेरा, ब्लैक। सो आपको मून पे स्काई जो है वो ब्लैक इसलिए नजर आता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं होने से कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, स्कैटरिंग नहीं होने से कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी कलर जो है वो आकाश में फैल नहीं रहा है, जिससे आप आकाश पे कुछ कलर कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। सो दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लैक ऑन द मून। और सन जो है हमारा लाल नजर आता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग अर्थ पे इसी समय होती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक स्कैटरिंग होता है। सो मोस्ट ऑफ द कलर ऑफ लाइट जो कम वेवलेंथ वाले हैं वो आकाश में फैल जाते हैं, हमारे पास सिर्फ रेड, ऑरेंज, येलो ही पहुंचता है। सो इस प्रकार स्कैटरिंग फिनोमेना से हम लोग ने मून पे जो आसमान है वो काला नज़र आता है, इसका जवाब दे सकते हैं। अर्थ पे स्काई ब्लू नज़र आता है, इसका भी जवाब स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। और सुबह और शाम में जो सन की जो कलर है वो रेडिश होती है, उसका भी कारण आपका स्कैटरिंग ही है। ओके okay.